हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है लर्न इंजीनियरिंग चैनल में। आज का जो वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है, कैसे काम करता है और क्या क्या होते हैं उसके कंपोनेंट, और क्या फ़ायदा होता है हमें उसे व्हीकल में यूज़ करने का। तो ये सब के बारे में वीडियो को बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको कहीं भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो एग्जॉस्ट में जो पोल्यूशन निकल रहा था एग्जॉस्ट गैसेस के थ्रू, तो उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि नॉक्स, हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था कि इन तीनों हार्मफुल, जो कि हार्मफुल गैसेस हैं, इन तीनों को कंट्रोल कर सके। तो हमारे हमारे जो व्हीकल सिस्टम है उनमें एक ऐसा सिस्टम आया जो कि इन तीनों को कंट्रोल कर पाए, जिसके हमने नाम दिया कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक है, इससे पहले हमारा एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन सिस्टम आया था जो कि केवल नॉक्स के फॉर्मेशन को ही कंट्रोल कर रहा था, और वो हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी हार्मफुल गैसेस को कंट्रोल नहीं कर रहा था। और तब तक इन पता भी नहीं था कि ऐसी गैसेस होती हैं। ठीक है, तब वो केवल नॉक्स को ही कंट्रोल कर रहा था। जब धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया और पता चला कि स्किन से रिलेटेड डिसीज़ हो रहे हैं और आइस में जो बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही हैं वो इन हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी हार्मफुल गैसेस की वजह से हो रही हैं, तो एक सिस्टम आया हमारे ऑटोमोबाइल में कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो इन तीनों गैसेस को कंट्रोल कर पाए, तब हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर बना। ठीक है, अगर आपको दोस्तों समझना है कि एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है, जिस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, तो उसका वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, आप चाहें तो वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो अब समझ लेते हैं कि ये बेसिकली काम क्या करता है। ठीक है, ये इसका काम क्या है, ये नॉक्स, हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड को, जो कि बहुत ही हार्मफुल गैसेज हैं, इनको नॉन हार्मफुल गैसेज में कन्वर्ट करता है। अब कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि अब ये नॉक्स है, तो अब ये क्या करेगा, ये नॉक्स पे से ऑक्सीजन का जो है वो ब्रेक कर देगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन को ब्रेक कर देगा, उसके बाद में इस ऑक्सीजन को यूज़ करेगा हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करा देगा हाइड्रोकार्बन को H2O+CO2 में और CO को CO2 में। ठीक है, मैं आपको बता दूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हार्मफुल होती है कार्बन डाइऑक्साइड के तुलना में। ठीक है, तो अब ये पूरी तरह से तो पॉल्यूटेंट को कंट्रोल नहीं करता, क्योंकि थोड़े बहुत तो पॉल्यूटेंट रहेंगे ही, क्योंकि फ्यूल का कम्बशन हो रहा है। ठीक है, मतलब लेकिन इसको जो पॉल्यूटेंट है उनको मिनिमाइज ज़रूर कर देता है। ठीक है, अब समझ लेते हैं कैसे काम करता है। अब ये मतलब कि जो केमिकल प्रोसेस है वो किस तरह से कंप्लीट होता है। ठीक है, हमारा जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है वो तीन भागों में होता है। ठीक है, पहला जो भाग होता है वो रोडियम का होता है, दूसरा प्लेटिनम का होता है जो कि आप देख रहे हैं, और तीसरा जो भाग होता है वो होता है पैलेडियम का। ठीक है, ये तीनों मटेरियल हैं अलग अलग, इनके अलग अलग खास बात है। रोडियम जो है वो कंट्रोल करता है नॉक्स की फॉर्मेशन को। ठीक है, मतलब कि जो जब भी हमारी नॉक्स की फॉर्मेशन होगी उसको कंट्रोल करेगा रोडियम। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, प्लेटिनम और पैलेडियम जो हैं ये दोनों के दोनों जो मटेरियल हैं वो दोनों हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाएंगे, मतलब कि ये हाइड्रोकार्बन को H2 और CO2 में कन्वर्ट कर देंगे और CO को CO2 में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमारी हार्मफुल गैसेस होंगी वो नॉन हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन ये नॉन हार्मफुल हम इसे नहीं बोल सकते, इनको हम पार्शियल हार्मफुल गैसेस बोल सकते हैं। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी हार्मफुल गैसेस होती हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के कंपैरिजन में कम होती हैं। ठीक है, तो वो सारी की सारी हमारी एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर लगा कहाँ होता है। जो साइलेंसर होता है व्हीकल्स का, वो उसी साइलेंसर में हमारा ये कैटालिटिक कन्वर्टर को यूज़ किया जाता है, जहाँ से साइलेंसर में से एग्जॉस्ट गैस आती हैं और इस मीडियम से पास करती हैं और एटमॉस्फेयर में हमारी रिलीज़ हो जाती हैं। ठीक है, तो जो कैटालिटिक कन्वर्टर है बेसिकली इन हार्मफुल गैसेस को कन्वर्ट करता है पार्शियली हार्मफुल गैसेस में। ठीक है, तो इसका था ये फ़ायदा। और तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है या फिर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा,
कोशिश करूँगा कि अगली जो वीडियो है उसी टॉपिक पे बनाऊँ, ताकि आपका डाउट है वो क्लियर हो सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी समझ में आ जाए कि कैटालिटिक कन्वर्टर होता क्या, काम कैसे करता है, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को तो ज़रूर 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 प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।